हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अद्वैत इंस्टीट्यूट। तो आज हम लोग वर्क पावर एनर्जी का नेक्स्ट वीडियो लेके आए हैं। इसमें हम लोग बात करेंगे आज क्या कि पावर पावर ऑफ वाटर ड्रॉइंग पंप, है ना। वाटर ड्रॉइंग पंप जो होता है उसका पावर कितना होता है, इसकी बात करेंगे। ठीक है, पावर ऑफ वाटर ड्रॉइंग पंप का। ठीक है, अब देखो क्या है। सपोज द अमाउंट ऑफ वाटर इज डिलीवर्ड इन टाइम डीटी, डीटी टाइम की बात करें, है ना। तो अमाउंट ऑफ वर्क डन, सपोज डीएम अमाउंट ऑफ वाटर इज डिलीवर्ड इन टाइम डीटी, है ना। डीएम अमाउंट ऑफ वाटर डीटी टाइम में डिलीवर हो रहा है, तो वर्क डन कितना होगा, देन वर्क डन कितना हो जाएगा। देखिए, तो वर्क डन करना पड़ेगा किसके लिए, डीडब्ल्यू, है ना। तो सपोज क्या करता है, देखो जब जमीन से पानी निकाल रहे हैं ना, तो पानी का एम हाइट जो डीएम मास है उसको एम हाइट तक ऊपर लेके आ रहा है, तो उसके पास पोटेंशियल एनर्जी होगा एम जी एच प्लस। अब क्या करते हैं, उसको काइनेटिक एनर्जी देख के क्या करते हैं, उसको वेलोसिटी देके बाहर की तरफ फेंकते हो, तो यानी उसके पास काइनेटिक एनर्जी दे रहा है, तो हाफ इंटू डीएम इंटू वी स्क्वायर। ठीक है, यानी ये पोटेंशियल एनर्जी है और साथ में ये क्या है, काइनेटिक एनर्जी है। तो डीडब्ल्यू क्या हो गया, जो वर्क करना पड़ा वो किस किस फॉर्म में करना पड़ा, एक तो काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में करना पड़ेगा वर्क, और एक पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में अपने को वर्क करना पड़ेगा। ठीक है, तो पावर डिलीवर्ड की बात कर ले, है ना। तो पावर डिलीवर्ड क्या हो जाएगा, पावर डिलीवर्ड की बात करें तो पावर इक्वल टू क्या होता है, डीडब्ल्यू बाई डीटी क्या होता है, पावर की बात कर ले। तो पावर हमने तो डीडब्ल्यू का वैल्यू निकाला है, डीडब्ल्यू कितना, देखो यहां से इन दोनों में डीएम कांस्टेंट है, तो डीएम बाहर करते हैं, डीएम बाय डीटी, और बच कौन कौन गया ब्रैकेट के अंदर, जीएच प्लस वी स्क्वायर बाय टू। एक बार इसको समझिए, क्या किया हम लोगों ने किया, जो वर्क था उस वर्क में डीएम था, स्मॉल मास एमजीएच की बात कर रहे थे। ठीक है, और उसमें फिर से क्या था, काइनेटिक एनर्जी था, तो हाफ डीएम भी स्क्वायर, क्योंकि स्मॉल मास के लिए बात कर रहे हैं। तो पावर की बात कर रहे हैं, तो पावर डिलीवर क्या होगा, रेट ऑफ वर्क डन तो पावर देता है, तो पावर इक्वल टू क्या हो गया, डीडब्ल्यू बाई डीटी हो गया। अब इन दोनों में हम लोग देख रहे हैं क्या कि डीएम कॉन्स्टेंट है, डीएम दोनों का, यहां पर भी आप ऐसे लिख सकते हो, डीएम बाहर कर सकते हो, तो क्या मिला, जीएच प्लस हाफ वी स्क्वायर, ऐसा भी कर सकते हैं, और इस चीज को यहां पर रख दिए, तो डीएम बाई dt जहां पे था वो हो गया, और ये जो ब्रैकेट का वैल्यू है वैसा ही कि वैसा ही हो गया। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उसको क्या याद रखना है ना, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कौन कौन है उसकी बात करेंगे, है ना। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट में आइए, पहला बात क्या, पावर ऑफ पंप रिक्वायर्ड टू जस्ट लिफ्ट द वाटर, है ना। तो पावर ऑफ पंप रिक्वायर्ड टू जस्ट लिफ्ट द वाटर, तो क्या हो जाएगा यहां से, अगर जस्ट लिफ्ट द वाटर के लिए बोल रहा है, तो यहां पे वेलोसिटी तो जीरो कह सकते हो, अगर वेलोसिटी जीरो हो जाएगा तो पावर हमारा क्या बन जाएगा, यहां से पावर यानी डीएम बाई डीटी, देखो वेलोसिटी जीरो यानी ये वाला टर्म खत्म, ये वाला खत्म, तो क्या मिल जाएगा आपको, जी एच इंटू डीएम बाई डीटी। ठीक है, इसी चीज को लिख रहे हैं, जी एच यहां लिख दिया और डीएम बाई डीटी निकल दिया, तो ये पावर हो गया, अगर जस्ट लिफ्ट द वाटर की बात कर रहा है, मतलब वेलोसिटी नहीं लेना है उस कंडीशन के लिए। इफ एच इज कॉन्स्टेंट, अगर एच कॉन्स्टेंट हो, क्योंकि हाइट तो सेम ही रहता है ना, पावर जो हम लोग पंप से पानी निकालते हैं उसके लिए हाइट तो फिक्स है। अब इफिशियंसी की बात कर लेते हैं, इफिशियंसी क्या होता है,
इफ, इसको डीटा बोलते हो, नीटा बी द इफिशियंसी ऑफ द पंप, बी द इफिशियंसी ऑफ द पंप, ठीक है। अगर नीटा क्या, इफिशियंसी ऑफ द पंप है, ठीक है। ये हम जब ग्राउंड से पानी निकाला है ना उसकी बात कर रहे हैं, जो अभी कंडीशन डिस्कस कर रहे हैं, जब हम लोग ग्राउंड से पानी निकालते हैं उस कंडीशन का, तो इफिशियंसी की बात करते हैं। इफिशियंसी क्या होता है, इफिशियंसी होता है आउटपुट पावर बाय इनपुट पावर। आउटपुट पावर बाय इनपुट पावर क्या बोलता है, इफिशियंसी बोलता है। आउटपुट पावर बाय इनपुट पावर को क्या हम लोग बोलते हैं, इफिशियंसी बोलते हैं, है ना, ये याद रखेंगे। आउटपुट पावर बाय इनपुट पावर क्या देता है, इफिशियंसी देता है। अब एक क्वेश्चन के थ्रू देखेंगे, हमारा कंसेप्ट लगभग लगभग खत्म हो चुका है, है ना। अब हम लोग क्वेश्चन को, कुछ क्वेश्चन को करके देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन ये है, फर्स्ट क्वेश्चन, अ पावर पंप, अ पावर पंप रेटेड, रेटेड अ पावर पंप रेटेड 400 वाट हैज एन इफिशियंसी, हैज एन इफिशियंसी ऑफ 75% है ना। इफ इफ इट इज इंप्लॉयड 2 days, water through a height, water through a height of 40 meter, find the volume of water drawn, find the volume of water drawn इन 10 मिनट, है ना। ये क्वेश्चन अपने को निकालना है। अब पावर पंप रेटेड 400 वाट हैज एन इफिशियंसी ऑफ 75% इफ इट इज इंप्लॉयड टू रेज वाटर थ्रू अ हाइट ऑफ 40 मीटर, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वाटर ड्रॉन इन 10 मिनट, ठीक है। तो कितना वाटर का वॉल्यूम ड्रॉन होगा, चलिए क्वेश्चन आसान है, है ना। पावर दिया हुआ है अपने को कितना, पावर दिया हुआ है 400 वाट और इसका जो इफिशियंसी है वो 75% है ना, और हाइट दिया हुआ है 40 मीटर, है ना, और 10 मिनट में पावर की बात कर रहा है। तो पावर इक्वल टू, हम लोगों ने अभी एक फॉर्मूला पढ़ा, पावर यूज्ड की बात कर रहे हैं, वो क्या पढ़ा, जीएच इंटू डीएम बाई डीटी, जीएच इंटू डीएम बाई डीटी। अभी हम लोगों ने एक फॉर्मूला ड्राइव किया था पावर का, ठीक है। तो पावर कितना यूज किया, तो पावर जो है वो 400 है लेकिन उसका इफिशियंसी 75% है, वो इतना ही यूज कर पाता है। G का वैल्यू 10 है और H का वैल्यू 40 दिया हुआ है क्वेश्चन में, हम यहां से dm by dt निकाल लेते हैं, है ना। dm by dt यानी kg पर मिनट में निकल के आएगा, कितना आएगा सो सॉल्व कीजिए, ये 0-0 कैंसिल हो जाएगा और हमको dm by dt चाहिए, तो ये अगर मल्टीप्लाई करोगे तो 300 हो जाएगा और यहां से कितना आएगा 400 आएगा, 0-0 यानी 0.75 केजी पर मिनट, है ना। तो इसको 0.75 इंटू 60, है ना, 60 कर लो तो कितना आ जाएगा, यहां से पर मिनट के हिसाब से तो मल्टीप्लाई करके यहां से इसका 450 केजी, है ना, ये इसका 450 केजी, यहां से हमको क्या मिल जाएगा, इसका 450 केजी, है ना, यहां से हमको इसका मास मिल गया डीएम बाई डी टी, टाइम तो दिया हुआ था 10 मिनट में, है ना, तो डीएम बाई डी टी 450 केजी हो जाएगा। तो हमको वॉल्यूम चाहिए, वॉल्यूम क्या होता है, डेंसिटी इक्वल टू मास बाई वॉल्यूम, डेंसिटी इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम, तो वॉल्यूम इक्वल टू मास बाय डेंसिटी, मास कितना आया, मास जो भी आएगा, है ना,
450 और by 1000 कर लो, यहां से उसका वॉल्यूम निकल के आ जाएगा केजी पर मीटर क्यूब में, यहां से उसका वॉल्यूम निकल के आ जाएगा केजी पर मीटर क्यूब में। ठीक है, इफिशियंसी दिया हुआ था, वहां से हम मास निकाले डीएम बाई डीटी निकाले केजी पर मिनट में, है ना, और 10 मिनट में इतना ना, है ना। तो यहां से हम इसको सॉल्व कर लिए और डीएम बाई डीटी आ गया, उसको सेकंड में बदल दिए हैं और यहां से हम लोग उसका वॉल्यूम निकाल देंगे। ठीक है, चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं, कुछ अच्छे क्वेश्चन भी करते हैं, है ना। तो यहाँ पे आपका चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो चुका है, चैप्टर जो है यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। एक दो क्वेश्चन करते हैं। अच्छा ठीक है, एक दो क्वेश्चन करेंगे, उससे क्लियर हो जाएगा कंसेप्ट। चलिए कुछ अच्छे क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, ये एससीबी का क्वेश्चन है। ये स्मॉल ब्लॉक ऑफ मास, स्मॉल ब्लॉक ऑफ मास 100 ग्राम इज प्रेस्ड अगेंस्ट अ हॉरिजॉन्टल स्प्रिंग फिक्स्ड एट वन एंड, फिक्स्ड एट A small block of mass 100 gram is pressed against a horizontal spring fixed at one end to compress the spring through 5 cm. The spring constant is 10 newton per meter. When release the block, moves horizontally, है ना। अगर उसको छोड़ोगे तो horizontally move कर रहा है ना। Till it lifts the spring. Where will it hit the ground? It hit the ground 2 meters below the spring. ठीक है, ये क्वेश्चन बोल रहा है। क्वेश्चन ये, अब यहां से समझो, ऐसा एक स्मॉल ब्लॉक है, ठीक है, और ये स्प्रिंग से कंप्रेस है, ये ब्लॉक है और ये 2 meters एवव है। ठीक है, अब बोल रहा है जब इसको छोड़ोगे तो ये जाके कहां पे हिट करेगा, ये वाला क्वेश्चन बोल रहा है। ठीक है, और क्वेश्चन में सब कुछ दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया हुआ है, एक बार फिर से देखो कि स्मॉल ब्लॉक है जिसका मास कितना है 100 ग्राम है, प्रेस्ड अगेंस्ट ए हॉरिजॉन्टल स्प्रिंग फिक्स्ड एट वन एंड पे, हॉरिजॉन्टल स्प्रिंग फिक्स्ड है ना, जिसका जो कंप्रेस किया जा रहा है 5 सेंटीमीटर तक, और उसका स्प्रिंग का जो स्प्रिंग कांस्टेंट है वो 100 न्यूटन पर मीटर है। अब जब इसको छोड़ोगे, जब इसको कंप्रेस करके छोड़ेंगे तो ये क्या करेगा, ये स्प्रिंग फोर्स इसको बाहर की तरफ धक्का देगा और वो जाके गिरेगा, तो कहां पे जाके गिरेगा ये अपने को निकालना है क्वेश्चन में। ये क्वेश्चन अच्छा था, देख लीजिए क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ सकते हो एक बार फिर से। यहाँ पे दिया क्या क्या है उसकी बात कर लेते हैं। मास अपने को पता है कितना, 100 ग्राम। क्वेश्चन में जो मास दिया हुआ था वो दिया हुआ है 100 ग्राम, और स्प्रिंग जो कंप्रेस किया है एक्स वो है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, उसके बाद स्प्रिंग कांस्टेंट के का वैल्यू दिया हुआ है 100 न्यूटन पर मीटर में। ठीक है, ये दिया हुआ है, और एच जो दिया हुआ है वो 2 मीटर है। ये क्वेश्चन में अपने को दिया हुआ है, तो कहां जाके गिरेगा। तो सबसे पहले टाइम निकालते हैं, टी इक्वल टू रूट अंडर 2h/g, टी इक्वल टू रूट अंडर 2h/g, ये हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। टी इक्वल टू टाइम जो होगा क्या होगा, रूट अंडर 2h/g, है ना।
ये ऐसे भी निकाल सकते हो h इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर से, ऐसे भी निकाल सकते हो। अगर ये जीरो है तो h इक्वल टू क्या हो गया, हाफ जी टी स्क्वायर। तो यहां से अगर सॉल्व करेंगे तो 2h बाई जी ये रूट अंडर t का वैल्यू होगा। तो वहीं से ये डायरेक्ट फॉर्मूला लगा रहे हैं, तो 2 इंटू एच का वैल्यू कितना है 2 और g का वैल्यू क्या है 10। तो अगर इसको सॉल्व किया जाए तो 4/10, अभी ये रहने देते हैं इतना ही पे 4/10। अब क्या करना है सो समझो, 4/10 आ जाएगा, मतलब t ये जब तक गिरेगा उस समय उसका जो टाइम लगेगा वो लगा कितना रूट अंडर 4/10। अब क्या होगा देखो, जब स्प्रिंग कंप्रेस्ड है तो स्प्रिंग का जो काइनेटिक एनर्जी है, स्प्रिंग कंप्रेस है तो स्प्रिंग में पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगा, और वो जब रिलीज करेंगे तो वो पोटेंशियल एनर्जी क्या करेगा, काइनेटिक एनर्जी में चेंज करेगा। यानी स्प्रिंग का जो पोटेंशियल एनर्जी हाफ के एक्स स्क्वायर, वो ब्लॉक को काइनेटिक एनर्जी देगा, है ना। एक का एनर्जी लॉस होगा, एक का एनर्जी गेन होगा, यानी हाफ के एक्स स्क्वायर हाफ एम बी स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा। अब देखो हाफ हाफ तो कैंसिल हो जाएगा, के का वैल्यू 100 दिया हुआ था, एक्स का वैल्यू एक्स अब सेंटीमीटर में है 5, तो उसको 100 से डिवाइड करके मीटर में बदल दो, है ना। यहाँ पे m, m मास दिया हुआ 100 ग्राम में, तो इसको क्या करना पड़ेगा अपने को केजी में बदलना पड़ेगा इनटू v का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर सकते हैं, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना होगा, एक बार सॉल्व करते हैं, 100 25 बाई 100 इंटू 100, दो बार क्योंकि स्क्वायर है, और यहां से 1 2 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, 1/10 इंटू वी स्क्वायर। अब देख लो यहां से 1 0 से तो 1 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, है ना, और ये 100 से ये 100 भी कैंसिल हो जाएगा। तो वी स्क्वायर इक्वल टू कितना मिला, वी स्क्वायर निकालना था तो 10, है ना, कुछ गड़बड़ कर रहे हैं। वी स्क्वायर का वैल्यू कितना हुआ, 125 हाफ के एक्स स्क्वायर, तो 25 चौका 100। टेन बाई फोर आना चाहिए, तो हमारा आ कितना रहे 25/10, कुछ गड़बड़ की होगी, एक बार सॉल्व करके देखो। 100 यहां से आया 1/10, ठीक है, और ये आएगा 25 और 100 इंटू 100, 100 से 100 गया, 25 चौका 100 करते हैं, देखो 100 से 100 उड़ाते हैं, 25 चौका 100 बोलते हैं, और यहाँ जो 10 बचा हुआ है रहने दो, तो वी स्क्वायर क्या हो गया 10/4 हो गया, वी स्क्वायर कितना मिल गया 10/4 मिल जाएगा, ठीक है। 100 से 100 25 4 100, और यहाँ से 1000 था तो 100 कट गया, 1/10 बचा हुआ है, ठीक है। तो वी स्क्वायर मिल गया अपने को 10/4 मिल गया है वी स्क्वायर का वैल्यू। तो अब क्या बोलते हैं हमको कितना डिस्टेंस, तो देखो वेलोसिटी निकल चुका है यहां से, है ना, अगर वेलोसिटी भी बात करो तो रूट अंडर 10/4, तो डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है वेलोसिटी इनटू टाइम, तो वेलोसिटी निकला है 10/4 और टाइम क्या निकला हुआ है रूट अंडर 4/10, ठीक है, और इसको रूट में ले सकते हो आसानी से, 4/10 10 कैंसिल हो गया, 4 कैंसिल हो गया, यानी 1 मीटर पे दूर जाके वो बॉल क्या करेगा जमीन से स्ट्राइक कर जाएगा। अच्छा क्वेश्चन था, 1 मीटर दूर जाके वो क्या करेगा जमीन से स्ट्राइक कर जाएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन और देखते हैं, है ना, ठीक है। फिगर शोज अ पार्टिकल, यहां पे क्वेश्चन दिखाते हैं आपको, ये बना ले, देखिए यहां पे क्वेश्चन में फिगर दिख रहा है, देखिए क्या है, फिगर शोज अ पार्टिकल स्लाइडिंग ऑन ए फ्रिक्शनलेस ट्रैक, फ्रिक्शनलेस ट्रैक है ये वाला, ठीक है, विथ टर्मिनेट इन द विथ टर्मिनेट्स इन द स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल सेक्शन, है ना, ये स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल सेक्शन में टर्मिनेट हो रहा है। इफ द पार्टिकल स्टार्ट स्लिपिंग फ्रॉम द पॉइंट ए, हाउ फार अवे फ्रॉम द ट्रैक विल द पार्टिकल हिट द ग्राउंड। अब देखो यहां से ये पार्टिकल यहां से आएगा और जस्ट ऐसे आएगा, और यहां आने के बाद इसके पास जब डाउन आया तो अप होगा फिर से, तो यहाँ पे जो ये हाइट तो 1 मीटर था, ये 0.5 मीटर पे है, तो यहाँ के बाद इसके पास कुछ वेलोसिटी होगा, तो वो कहां पे जाके गिरेगा, कहां पे जाके गिरेगा मतलब कितना डिस्टेंस जाके दूर वो गिरेगा, सेम क्वेश्चन है जैसा हम लोग प्रीवियस क्वेश्चन किए थे। तो क्या करते हैं इस वाले क्वेश्चन में, सो देखिए हम इसको डेटम लेवल बोल देते हैं,
है ना, क्योंकि आसान हो जाएगा अपने के लिए। पोटेंशियल एनर्जी आप यहाँ के लिए लगाओ, यहाँ का पोटेंशियल जीरो हो जाएगा। तो क्या करते हैं, देखो यहाँ पे तो कॉफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन जीरो था, तो लॉस इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी गेन इन काइनेटिक एनर्जी। तो कितना लॉस किया, mgh, यहाँ से कितना नीचे आया, इसी को डेटम बोला है। तो mg और h कितना निकाले, 0.5 इक्वल टू जितना ये लॉस करेगा पोटेंशियल में उतना ही गेन करेगा काइनेटिक में, तो हाफ एम बी स्क्वायर। तो यहां से देखिए m से m कैंसिल हो जाएगा, v निकालना है तो g, देखो यहां से 2 आएगा, 2 आया यहां पे तो 2, और g का वैल्यू 10 और 0.5 है ना। अब डेसिमल हटा के 10, 10 से टेंसिल आया, रूट अंडर 10 आ जाएगा। अब ये तो भी निकल जाएगा है ना। अब टाइम कितना लगाया यहां से वहां तक जाने में, ये कैलकुलेट कर सकते हो। तो टाइम का फॉर्मूला अभी ऊपर वाले क्वेश्चन में कैलकुलेट किए थे, t इक्वल टू रूट अंडर 2h बाई g। तो 2 और h का वैल्यू कितना है, h के यहाँ कितना मीटर है यहाँ पे, रूट अंडर मतलब कितना देर ऊपर में से आ रहा है, h की बात कर रहे हो, तो 0.5 और g का वैल्यू 10। तो यहां से सॉल्व करके ये भी आया 1/10। तो x निकालना है तो वेलोसिटी इनटू टाइम, वेलोसिटी तो रूट 10 है और टाइम 1/10 है। यहां से सॉल्व करके कितना आया इसका आंसर, इसका भी इस क्वेश्चन का आंसर भी आ रहा है 1 मीटर। इस क्वेश्चन का आंसर भी आया है कितना, 1 मीटर। आसान आसान क्वेश्चन है, बना सकते हो है ना। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन है, देखो। वन एंड ऑफ ए स्प्रिंग ऑफ नेचुरल लेंथ h एंड स्प्रिंग कांस्टेंट k इज फिक्स्ड एट द ग्राउंड एंड द अदर एंड इज फिक्स्ड विथ ए स्मूथ रिंग ऑफ मास m व्हिच इज अलाउड टू स्लाइड ऑन ए हॉरिजॉन्टल रॉड फिक्स्ड एट अ हाइट h। ठीक है, इनिशियली द स्प्रिंग मेक्स एन एंगल ऑफ 37 डिग्री विद द वर्टिकल। व्हेन द सिस्टम इज रिलीज From rest, find the speed of ring when the spring becomes vertical. अब ये बोल रहा है क्वेश्चन में, देखो क्या है, एक स्प्रिंग है और यहाँ पे एक रिंग है और एक रॉड है जो h height above है। अब ये क्या कर रहा है, ये रॉड अभी जो एंगल है वो वर्टिकल के साथ 37 बना रहा है जो स्प्रिंग था, ठीक है, और ये लेंथ l है। अब ये जब स्प्रिंग इधर की तरफ ये आ रहा है रिंग, जब ये वर्टिकल हो जाएगा तो उस समय उसका वेलोसिटी क्या होगा, ये फाइंड करना। क्वेश्चन आसान है, थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। देखो ये जो स्प्रिंग था उसका लेंथ क्या था, L, और ये वाला हाइट क्या है, H। चलो ये वाला है एंगल 37, क्योंकि इनिशियल में क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 37 एंगल बना रहा है। तो अगर एंगल 37 है तो cos 37, cos थीटा क्या होता है, बेस बाई हाइपोटेनस। तो बेस क्या हो गया यहाँ पे H, और हाइपोटेनस क्या है L, तो cos 37 H बाई L। तो यहां से अगर L की बात करें तो H बाई cos 37, और cos 37 का वैल्यू होता है 4/5। तो H L कितना हो गया, 5H/4 हो गया। L का वैल्यू हम निकाल दिए H के टर्म में, 5H/4। अब एक्सटेंशन कितना होगा सो बात करना है। तो एक्सटेंशन X जो है, यहां से देखिए ये L लेंथ है और ये H है, तो जो टोटल लेंथ L है और उसमें से ये धीरे धीरे, देखो यहां से अभी लेंथ L था ना, अब ऐसे ऐसे आ रहा है, H आ रहा है, तो इसके लेंथ में कंप्रेशन हो रहा होगा। अभी तो ये इलोंगेट किया हुआ है ऐसे L लेंथ पे, और ये जब ऐसे 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 आ रहा है तो स्प्रिंग कंप्रेस हो रहा हो, तो कितना होगा, कंप्रेशन की बात कर ले, सॉरी एक्सटेंशन की बात कर ले, तो यहां से एक्स माइनस एक्स इक्वल टू एल माइनस, ये देखो ना ये रिंग ऐसे आ रहा है ऐसे कुछ है ना, तो यहां से क्या होगा, x जो है l माइनस h होगा, जो टोटल लेंथ है उसमें से h को माइनस कर देंगे, वो हमारा निकल जाएगा है ना। तो x कितना है, l कितना निकाले हम लोगों ने, निकाला l का वैल्यू 5h/4, l ज्यादा है और ये x, तो यहां एक्सटेंशन नहीं होना चाहिए, ये कंप्रेशन होना चाहिए, स्प्रिंग हमारा कंप्रेस करेगा। कंप्रेशन कितना, शुरू में देखो शुरू में लेंथ l था और बाद में h पे आया, तो L का वैल्यू पहले ज्यादा था, H कम होगा, तो 5H-4 माइनस H यानी H/4 आया, कंप्रेशन होगा स्प्रिंग में, तो H/4 आया, तो काइनेटिक, अब तो H निकाल दिए यानी कंप्रेशन क्या हुआ स्प्रिंग में, वो निकाल दिए, जितना कंप्रेशन होगा वो हमारे अब क्या करेगा, उस रिंग को काइनेटिक एनर्जी देगा। तो कितना कंप्रेशन हो रहा है, तो हम क्या कर सकते हैं, लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी गेन इन काइनेटिक एनर्जी,
तो लगा दीजिए लॉस पोटेंशियल एनर्जी कितना हो गया हाफ के एक्स स्क्वायर। स्प्रिंग के केस में पोटेंशियल एनर्जी की बात करेंगे तो हाफ के एक्स स्क्वायर, और जैसे जैसे यहाँ पे आएगा वो उसमें क्या होगा कुछ वेलोसिटी होगा इस रिंग के पास, तो वेलोसिटी इधर की तरफ जाएगा, तो हाफ एम बी स्क्वायर हाफ के एक्स स्क्वायर, हाफ से हाफ कैंसिल हो गया, एम बी स्क्वायर के एक्स स्क्वायर के इक्वल, हमको एक्चुअल में चाहिए भी इस एम को नीचे ले चलो, तो के बाई एम इंटू एक्स स्क्वायर। अब जब रूट लगाएंगे भी हम स्क्वायर नहीं चाहिए भी चाहिए, तो रूट अंडर के बाई एम तो बाहर हो जाएगा, रूट के अंदर हो जाएगा, और एक्स स्क्वायर जो है तो एक्स हमारा रूट के अंदर हो जाएगा, तो के बाई एम तो ठीक है, और एक्स का वैल्यू कितना है एच बाई फोर, एच का वैल्यू कितना, एक्स का वैल्यू कितना निकाले हो एच बाई फोर, तो एक्स का वैल्यू यहां से हम लोग रख लेंगे। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन सॉल्व कर दिए, ठीक है थोड़ा सा समझिएगा, ठीक है थोड़ा सा समझिएगा। तो यहाँ पे हम लोग चैप्टर को खत्म करते हैं, फिर नेक्स्ट चैप्टर लोग नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे, नए चैप्टर के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू, और अच्छा लगेगा तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा, है ना, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।